सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज है 4 अगस्त और आज महाराष्ट्र सीटीएमसीए 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब हो रहा है अभी एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट का है, और फिर ये जो टोटल होने वाले ये 4 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम होंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो है आपको पूरा रिव्यू दूंगा मैं, और क्या क्वेश्चन आया, ये पेपर का पैटर्न क्या रहा, निगेटिव मार्किंग था कि नहीं था, ऐसे ऐसे सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मन में, जो ख्याल आ रहे थे बहुत सारे पहले, बहुत दिन पहले से। तो अगर आपका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में या थर्ड या फिर फोर्थ में है तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, फर्स्ट वाला का तो बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उनसे हम रिव्यू लेंगे ही। अभी मैं हूँ रांची में, रांची झारखंड में स्थित है, तो वहाँ पर रांची के एक सेंटर पर आया हुआ हूँ। दोस्तों, ये देखिए सेंटर है, यहाँ पर आपको घर टाइप का दिख रहा होगा, यही सेंटर है, यहीं पर मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो है आपको ये शो हो रहा होगा स्क्रीन पे इमेजेस, इसमें 34 का ही इंटेक है दोस्तों सर्वर में, मतलब 34 बच्चे ही शायद लिए हैं। तो देखिए क्या होता है, कितने अंदर हम जाएंगे। मेरा जो एग्ज़ाम है वो सेकंड शिफ्ट में है, तो सेकंड शिफ्ट का भी आपको रिव्यू शाम तक मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो इंतजार करते हैं, अभी कुछ समय बाकी है, कुछ 5-10 मिनट बाकी है, अभी बच्चे आएंगे तो उनसे पूछते हैं कि क्या क्या जो है क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे क्या हुआ और क्या पेपर का पैटर्न क्या जंबल था या सेक्शन वाइज थे, ऐसे जो छोटे छोटे है जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं फिर आने दीजिए उन बच्चों को, और फिर आपको मिलवाते हैं, बात करवाते हैं उनसे। कौन ला दवा? लाल हो गया। दो मिनट मैम, 2 मिनट नहीं, अच्छा नहीं गया क्या? कहाँ क्या भैया, बताइएगा कुछ सेकंड शिफ्ट के लिए क्या था एमसीए ज्ञान। सो दोस्तों, देखिए अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, भैया लोग जो है एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट भैया हमारे साथ हैं, तो भैया कैसे गया आपका एग्ज़ाम? सही गया, बहुत इजी था। निमसेट का अगर कोई प्रिपरेशन किया है तो उसके हिसाब से ये बहुत नेगेटिव मार्किंग था कि नहीं था बहुत सारे बच्चे का? नहीं नहीं, क्वेश्चन जंबल थे। हाँ, क्वेश्चन पूरा जंबल था। या सेक्शन वाइज? नहीं नहीं, कोई सेक्शन वाइज नहीं था, पूरा जंबल था 1 से लेकर 100 तक, पर ईजी था। कैसा गया भैया? हाँ ठीक है, एकदम क्वेश्चन कैसा था? जंबल? हाँ जंबल बोल थे पूरे। मैथ्स के कितने थे? मैथ्स के मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन थे, लेकिन इजी थे कुछ के, मतलब जो सेक्शन वाइज हमें पहले से बताया गया था उसी टाइप के 30 जो मैथ्स के थे, 20 कंप्यूटर के। भैया एक मिनट, वो मैंने गिना नहीं, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं मैथ के क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा लगे, लॉजिकल रीजनिंग के कम थे। अच्छा, और कंप्यूटर के? कंप्यूटर के भी थे ठीक क्वेश्चन। लॉजिकल में पजल? पजल्स एक या दो थे। कौन कौन बता सकते टॉपिक? ये सर्कुलर में था, और वही ये जो क्या बोलते हैं रैंकिंग में था। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन नहीं था। ये मिसिंग नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक क्वेश्चन। अच्छा, मेंसुरेशन? मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन। फॉर्मूला डायरेक्टली या फिर घुमा जंबल? हाँ, क्यूबाइट करके था एक, उसके था साइड, उसका पेपर पूछा था कितना पेपर लगेगा उसको कवर करने में। कैसा गया भैया आपका? बस देखिए क्या होता है, टाइम तो आपको पता है कि कम ही मिलता है। नेगेटिव मार्किंग? नहीं था। क्वेश्चन जंबल सेक्शन वाइज? सेक्शन वाइज भी नहीं था, जंबल था। इंग्लिश के कितने पैसेज? इंग्लिश के मेरे ख्याल से जहाँ तक गिने हैं कम से कम 10 आए होंगे, मतलब वो वर्ड्स आपका सेंटेंस ठीक करने का। अच्छा अंकित, ठीक है भैया, आपका वीडियो देखे थे। अच्छा, थैंक यू। अरे भैया कैसे गया? बढ़िया, मस्त गया। क्वेश्चन कैसे था? ईजी था। जंबल सेक्शन वाइज? वो थोड़ा आपका पजल थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स था। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं फिर, लॉजिक रीजनिंग से? ईजी था वो। ईजी था पूरा। हाँ चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आपके रे बाबू इधर आओ, देखिए ये हमारे दोस्त हैं हमारे, ये देखिए ये भी ये देखिए हम लोग सारे हैं। कैसा गया भाई लोग? ठीक गया। क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया, मतलब पूरा ही अटेम्प्ट किया होगा यार, नेगेटिव तो है नहीं? नेगेटिव तो नहीं है, 10 मिनट लास्ट में सब। देखिए यही वो बंदा है जिसको टॉप थर्ड का कॉलेज मिला था पिछले बार, सिर्फ हम लोग का क्या बोल सकते हैं, कुछ खामियां के कारण जो ये दोनों को देख सकते हैं, पिछले बार अच्छे कॉलेज मिल गए थे लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए किसी भी कारण से, इस बार तो आपको मिलेगा ही, पूरा तो कॉन्फिडेंस है ही है। ठीक गया है ऐसे, अब देखो कितना जाता है कट ऑफ वगैरह। अच्छा नहीं, चलिए चल गया सब, तो चल गया यार, चलो। तो दोस्तों, जैसा रिव्यू आ रहा है उस हिसाब से तो क्वेश्चन बोल रहे बहुत ही ईजी है, और पेपर का पैटर्न जो इस बार जंबल आया है, जो पिछले तरीके से आए थे, पिछले बार जो पेपर का पैटर्न फॉलो किया था उसी हिसाब से इस बार भी फॉलो किया गया है, क्वेश्चन पेपर जंबल आया है। तो आपको देखते तो आइए और कुछ और बच्चों से पूछने की कोशिश करते हैं। कैसा गया मैम? कैसा गया बता दीजिए थोड़ा सा रिव्यू सेकेंड शिफ्ट के लिए। चलिए देखिए, बहुत सारे बच्चे बच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है बच रहे हैं अपने बताने से, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी थर्ड फोर्थ
थर्ड तीन शिफ्ट में जो है हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके लिए यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फर्स्ट पहला तो यही है। और दूसरा है कि जो पेपर जंबल्ड आ रहे हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले बार की तरह, इस बार भी सिंपल ही आए हैं, जैसे हमारे दोस्तों लोग भी आए हैं और देख सकते हैं हमने तो जितना कोशिश कर सका मैं बता पाया हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों बस देखिए, अब सेकंड शिफ्ट का रिव्यू आपके सामने जल्द ही आएगा, शाम तक वेट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और MCA ज्ञान को सर्च सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। जिसका भी आने वाले एग्ज़ाम है थर्ड से फोर्थ शिफ्ट में उसको मदद मिलेगी दोस्तों। और देखिए और भैया लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कैसा गया उनका एग्ज़ाम जो है। तो भैया कैसा गया, कैसा गया, एक मिनट कैसा गया? बढ़िया ही था। कैसा था क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन, इजी था। जंबल सेक्शन वाइज जंबल्ड था, जंबल था ना। चलिए देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है बता नहीं सक रहे हैं तो, लेकिन कितना मिनट तो बस ये वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का यही था रिव्यू, आपको कैसा लगा? सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू आएगा आज शाम में। तो बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।